नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC एज बैंकर प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों HDFC एज बैंकर प्रोग्राम ये बैच नंबर 3 जो है ये शुरू हो रहा है और बैच नंबर 2 जो है उसका रिपोर्टिंग डेट है 22 अक्टूबर। तो जिन्होंने भी इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम वगैरह दिया है, रिपोर्टिंग डेट आ चुका है, तो 22 तारीख को ज़रूर जगह रिपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इस बैच नंबर 3 के बारे में। इसका क्या एनरोलमेंट फीस रहेगा, कैसे कितने दिन का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा, कैसे आपको जॉब मिलेगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी है जो अप्लाई नहीं किया था, उसका कारण ये था कि अप्लाई ना करने का कारण था कि फीस जो है उसका ज़्यादा था। दोस्तों ऑब्वियसली HDFC एस बैंकर प्रोग्राम हो या ICICI का प्रोग्राम हो या एक्सिस बैंकर ABI प्रोग्राम हो, इसका जो फीस है 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए भी जाते हैं, ठीक है। HDFC एस बैंकर प्रोग्राम जो है इसका फीस तो कम है, लेकिन इतना फीस भी यदि आप नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो भी आप उससे भी कम फीस में आप बैंकिंग जॉब पा सकते हो। उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। सबसे पहले बता देता हूँ कि HDFC एस बैंकर अभी बैच नंबर 3 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हो कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब की जानकारी हो सबसे पहले आप तक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि HDFC एस बैंकर प्रोग्राम जो है उसका बैच नंबर 3 अभी ओपन है। इसका फॉर्म भर सकते हो, कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आएंगे, HDFC बैंक में आपको कितना सैलरी मिलेगा, तो यहाँ पे 4.40 लाख रुपए यानी कि 4,40,000 रुपये सालाना सैलरी आपको मिलता है। अगर इसको देखा जाए तो करीब क्योंकि इसमें आपको जो कटिंग वगैरह होगा तो अलग ही रहेगा, लेकिन मैं आपको बात करता हूँ कि अगर 4,40,000 यहाँ पे आपको पे कर रहा है तो आपको मंथली सैलरी कितना आ सकता है। तो अगर इसको 12 में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 37,000 रुपये आ रहा है, लेकिन 37,000 रुपये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे जो कमेंट्स करते हैं उनके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 20-25,000 का सैलरी मिलता है आफ्टर डिडक्शन के बाद। तो वो भी मैं आपको आपके सामने जो है आपको बताऊंगा कि क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। अगर अप्लाई करना चाहते हो सिंपली आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करते हैं। तो उसके बाद क्या क्या होता है कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम के बाद ही जाके आपके ये सब कुछ होगा। लेकिन इसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे HDFC बैंक में एक बहुत इंडिया का अभी प्रेजेंट जो है इसका नंबर 1 बैंक है, बहुत ही बढ़िया बैंक है दोस्तों। आप यहाँ पे इस 45 ट्रेनिंग कोर्स के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे स्टाइफिन भी आपको मिलेगा 7,500 रुपये करके। ड्यूरिंग जो 45 डेज ट्रेनिंग रहेगा उसमें 7,500 रुपये आपको स्टाइफिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बताया गया है, और इसके साथ साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये 1.5 लाख रुपये प्लस आपको यहाँ पे 18% GST भी आपको यहाँ पे रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो 1.5 लाख फीस जो है नहीं पेमेंट कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शन भी ढूंढ निकाला है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आते तो आप जब एक ट्रेनिंग करोगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिक ऑफ बैंकिंग, लायबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट कंप्लायंस, KYC, AML, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल सेलिंग मार्केट, सेलिंग स्किल्स, ये सब कुछ आपको जो है यहाँ से सिखाया जाता है। कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ साथ आपको जो है 50% प्लस अबो मार्क आपको यहाँ पे आना जरूरी है, ठीक है। एज लिमिट बताया गया है 21 से लेकर के 28 ईयर्स के अंदर आपके एज लिमिट होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स तक भी यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका कोई रिलेटिव्स, आपका कोई जो है जान पहचान मतलब आपके भाई बंधु या आपके ब्लड रिलेटिव्स के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति HDFC बैंक में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, और आपके ऊपर कोई भी लीगल केस है, ठीक है, तो भी आप जो है एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो सकते हो। इसके अलावा आपका वाइफ काम कर रहे हैं, फादर काम कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते हो। ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसका टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कौन से स्टेप करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके आपको जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट कैसे थे उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद एनरोलमेंट एंड फी, जो 1.5 लाख रुपए का जो फीस है आप वो पे कर दीजिएगा। उसके बाद 45 डेज का आपको ट्रेनिंग होगा, फिर आपको HDFC बैंक में आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक ग्रेड मिल रहा है असिस्टेंट मैनेजर का। बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन आंसर था वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। पिछले वीडियो हमने बनाया था जो बैच नंबर 1-2 था, तो उसमें कुछ
कुछ है। इसमें जो एग्ज़ाम फीस यहाँ पे 600 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस मांगा गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर सेल्स रहेगा या ऑप्शन रहेगा, तो इसमें ऑब्वियसली आपको सेल्स का काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे जॉब टाइमिंग दिया गया है, जॉब टाइमिंग दोस्तों आपको डे शिफ्ट में ही रहेगा। एज 28 एलिजिबल नहीं, बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनहैंड सैलरी कितने रहेगा, तो इसने रिप्लाई किया कि 22 से 25 हज़ार बिल्कुल इतना रहेगा। और आखिर में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर HDFC बैंक में इतना 1.5 लाख रुपये प्लस GST मिला के यदि आप पे नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए सस्ता वाला एक प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बैंक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ पर जाकर इसको फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। ये भी पेड कोर्स है, ये बहुत ही 60,000 रुपीज़ के अराउंड में आपको जो है बैंकिंग कोर्स करवा के फिर आपको 100% प्लेसमेंट भी वहाँ पर देते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद कॉल आ जाएगा, फॉर्म में आपका आपका नाम, ईमेल आईडी, उसके बाद मेल, फीमेल, क्वालिफिकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपका एज कितना है वो मेंशन कीजिए। ज़्यादातर 26-27 ईयर्स आपके हैं तो आप इसको इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको सब कुछ फिल करने के बाद आपका जो है एस्टेट मेंशन करने के बाद लास्ट में इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, तो कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद आपको बताया जाएगा, क्योंकि HDFC बैंक में जो है 1.5 लाख रुपये प्लस GST भरने बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इतना अमाउंट नहीं दे पाते हैं, उनके लिए जो है हम ये चीज़ लेकर के आए हैं। यहाँ से भी आपको 100% बैंकिंग जॉब मिल जाएगा, आपको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल दूसरे वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।